अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के मेरे इस व्लॉग में मैं आप लोगों से मेरी टू डू लिस्ट शेयर करूंगी और आप लोगों से एक प्लान भी शेयर करूंगी। तो आज की इस बिजी लाइफ में हाउसवाइफ और जो वर्किंग वूमेन है, इन लोगों को ना टाइम ही नहीं रहता है कि वो अपना टाइम मैनेज करे, और ना ही अपना टाइम वो मैनेज कर पाती है, ना ही खुद पे ध्यान दे पाती है। हर घर की रूटीन डिफरेंट होती है, तो टू डू लिस्ट भी डिफरेंट होगी। इससे आपको होम मेकिंग में ना बहुत आसानी होगी। एक शेड्यूल एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इस शेड्यूल को आप सामने रख कर आप अपना शेड्यूल बनाएंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प होगी। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले। तो आप भी आपकी टू डू लिस्ट बनाएं, इसको रूटीन में अप्लाई करें। इस प्लान की मदद से हम अपना बहुत सा टाइम मैनेज कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर ना हम भूल जाते हैं कि हमें ना क्या क्या काम करने होते हैं दिन भर में या वीक में। इस तरह ना मैं एक नोट पेपर को फ्रिज के ऊपर लगा देती हूँ और इसके ऊपर ना मैं मॉर्निंग में ही उठते बराबर लिख लेती हूँ कि मुझे दिन में क्या क्या काम आज करने हैं। वरना कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है, कुछ हमें बाज़ार से मंगवानी होती है। इस तरह मैं टूडेज नोट करके ना एक फ्रिज पर नोट पेपर पर लिख देती हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें ना याद रहती है। आई नो कि बहुत सारे होम मेकर्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि रोज़ वही काम करते हैं हमें, दिन भर हमारी वही रूटीन है, तो फिर ये टू डू लिस्ट हमें क्यों बनाना है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है। तो इसके जवाब में ना मैं आपको ये कहूँगी कि आप 21 दिन तक ना ये चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अपनी लाइफ में टू डू लिस्ट बनाकर, ये प्लान फॉलो करके अपनी लाइफ में, अपनी ज़ात में, अपने घर में डिफरेंट देखिए, तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। हर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। तो आप इस शेड्यूल को एग्जांपल के तौर पर लेकर अपनी जिम्मेदारियों को इसमें फिट करके अप्लाई कर सकते हैं और आप खुद देखिए कि आपको इसके कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। मान लो कि 8 घंटे हमने सोने में गुजारे, तो बाकी के 16 घंटे हमने क्या किया? अभी आपने इस बारे में सोचा है तो इसके लिए तो एक क्वेश्चन बनता ही है। मैंने एक प्लान बनाया है एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें मैंने दिन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन और नाइट रूटीन। ये प्लान मंडे से फ्राइडे तक के लिए मैंने बनाया है। इस प्लान में आपको 5:30 से 7:30 तक क्या करना है, यानी ब्रेकफास्ट आपको कब करना है, 7:30 से 8:30 तक आप क्या करोगे, इस तरह टाइमिंग के हिसाब से ना आप प्लान बनाओगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। आप इसको आपकी प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से डिफरेंट कर सकते हैं। प्लान के हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट फ्रेम जो है ना वो समझ आ जाएगा कि कितने टाइम में आपको क्या काम करना है। तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल जो होती है ना वो बहुत ही इम्प्रूव होगी। दूसरा कि आपको वक्त की कदर भी होगी, आप वक्त की कदर करना भी सीखोगे। और जो तीसरा है वो आपकी लाइफ ना बहुत ही वेल सेट ऑर्गेनाइज हो जाएगी। काम के साथ साथ यहाँ पर मैं खाना भी बना रही थी, तो मैं आज ना दाल कोश बना रही थी। दाल को वॉश करके उसके अंदर मैंने एक प्याज, एक टमाटर, हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, ये सब मैंने डाल दिया था और इसे अच्छे से बॉईल कर दिया था। जब दाल अच्छे से बॉईल हो जाएंगी ना, उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। बहुत ही मज़ेदार ये दाल गोश्त बन के रेडी होता है। एक साइड मैंने मटन को भी बॉईल करके रख दिया है। दाल चाय ये हैदराबादी डिश है और हैदराबाद में ना ये बहुत ही फेमस है। खट्टी इमली दाल के इसे बनाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ प्याज को चॉप कर रही हूँ। ये चॉपर की मदद से ना देखिए कितनी बारीक सी प्याज कट जाती है। एक पॉट को मैंने लिया है, उसे मैंने हीट करके उसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद जो प्याज हमने कट करके रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से ना गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून भर के जीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भर के सरसों ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता और साबित लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे और इसे ना अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें इसे इतना भूनना है जब तक कि ना प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा ना, उसके बाद जो बॉईल करके गोश्त रखा था हमने वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे।
गोश्त की जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी ना, उसके बाद 1 टीस्पून भर के हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। जितना हम गोश्त की भुनाई करेंगे उतना अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। उसके बाद जो दाल को हमने ब्लेंड करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके ना हम इसे थोड़ा सा बॉईल कर देंगे और देखिए झटपट सा दाल गोश हमारा बन के रेडी हो गया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके बाद ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। इमली को मैंने भिगा के रखा था, आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। घर को वेल सेट और ऑर्गेनाइज रखने के लिए ना एक प्लान हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से हम अपना टाइम मैनेज करके एक प्लान बनाएं और उस प्लान के तहत ना हम अपनी रूटीन, अपने जो काम है वीकली हमें करना है उसकी एक लिस्ट बना के रखें और उस लिस्ट के हिसाब से ना हम वो काम करते चले, तो इससे ना बहुत ही आसानी होती है। एक डायरी में ना आप ये नोट कर ले कि वीकली आपको क्या काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे कर्टेन वॉश करना थे वीक में, फ्रिज क्लीनिंग करना था मुझे और बहुत सारे जो ऐसे काम थे जो मुझे वीक में करने थे। इस तरह ना एक डायरी में आप नोट कर लोगे ना कि आपको वीकली क्या वर्क करना है, तो आपको ना इससे बहुत आसानी होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होगा। अपने आप को वक्त देकर उस लिमिट के अंदर काम करना, ये टाइम मैनेजमेंट होती है और आपको बस ये स्किल्स सीखना है। अदरवाइज़ काम तो होते ही रहते हैं, हर चीज़ के लिए ना हमें टाइम निकालना होता है, हमें अपना एक रूटीन बनाना होता है। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन, अगर उनके पास टाइम नहीं होना तो वो अपने आप पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाती है। अगर आपकी रूटीन ही डिस्टर्ब होंगी तो फिर आप कैसे अपने घर को मैनेज कर पाओगे, मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज्ड कर पाओगे, अपने आप को आप मी टाइम कैसे दे पाओगे। मैं खुद के लिए टाइम निकालना ना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए सबसे पहले आती है रूटीन। अगर आप टू डू लिस्ट बनाकर फॉलो करोगे ना तो इससे आपको अपने लिए भी बहुत सारा टाइम मिलेगा। दिन भर के शेड्यूल में से हमें अपना मी टाइम निकाल कर अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ना अपने लिए एक नाइट क्रीम बना रही हूँ। इससे पहले भी मैंने ना इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी। इसको मैंने ओवरनाइट भिगा कर रखा था, उसका वाटर मैंने लिया है, उसमें मैंने एलोवेरा जेल डाला है। आप आपकी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, आपको कितने दिन के लिए ये क्रीम बनानी है। इन दोनों को ना अच्छे से हम मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। कोकोनट ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद लेमन के ना 3-4 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करेंगे, सबको ना हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद रोज़ वाटर हम इसमें ऐड करेंगे। ये क्रीम ना बहुत इफ़ेक्टिव है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। मैंने इसे ना 2 से 3 बार आप लोगों से ये शेयर किया है। इसके बाद ना इसके अंदर हम विटामिन ई का सीरम ऐड करेंगे, अगर आपके पास कैप्सूल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये स्किन के लिए ना बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सबको ना डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें इतना मिक्स करना है जब तक कि ये जेली फॉर्म में नहीं आ जाता, एकदम ठीक सा क्रीम बन के रेडी होता है। बहुत ही इजी है इसे बनाना। अब एक ग्लास की बोतल में ना हम इसे फिल करके रख देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इसमें बना के रखा था, ये आसानी से 1 मंथ हमें चल जाता है। ये स्किन वाइटनिंग होममेड रेमेडीज है जो कि बहुत ही अच्छी है स्किन पे, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जो राइस वाटर बच गया था उसके अंदर ना मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर डालूंगी और लेमन के ना 3-4 ड्रॉप्स मैं इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और एक स्प्रे बॉटल में मैं इसे डाल के रख दूंगी। इस तरह आप स्प्रे बॉटल में डालकर इसे रखोगे ना तो बस आपको फ्रिज से निकालना है और आपके फेस पर स्प्रे करना है। आप इसे बनाकर 1 मंथ यूज़ करोगे ना तो आपको आपकी स्किन में ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा, आपकी स्किन ग्लोइंग करने लगेगी। इसे वीकली 1 या 2 टाइम हमें यूज़ करना है, तभी जाके इसके रिज़ल्ट हमें परफेक्ट मिलेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि कामयाब और नाकाम लोगों में डिफरेंट है ना, तो वो सिर्फ वक्त की कदर और वक्त का सही इस्तेमाल ना करना है। हम किसी ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जिसमें ना हर रोज़ सब कुछ परफेक्ट होता हो, और हम कितने भी एनर्जेटिक क्यों ना हो कभी परफेक्ट नहीं हो सकते।
पर हम हाँ कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम ना हर चीज़ों को परफेक्ट कर सके, परफेक्ट बना सके, अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को, अपने घर को हम परफेक्ट करने की ना पूरी कोशिश कर सकते हैं। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी ना कि मैं ये प्लांट को क्लीन करूं और इसके ऊपर इतनी डस्ट आ गई थी, और जब मैंने अपना प्लान बनाया था तो उस हिसाब से ना मेरे पास रात में 9 से 10 का टाइम था, तो मैंने सोचा है कि इस टाइम ना मैं जाकर इसे वॉश कर दूं। और जब मैं इसे वॉश करने लगी ना तब मुझे पता चला कि इस तरह मैंने अगर टाइम मैनेजमेंट करके काम करती चलूँ ना तो मेरा पास टाइम भी सेव होगा और मेरा घर भी ना नीट एंड क्लीन रहेगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो लोग नए हैं वो लोग भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।